वेलकम बैक टू माउंट एम्पोरियम। दिस इज वसीम खान और आज जो मैं प्रोडक्ट लेकर के आया हूँ वो एक्चुअली और स्पेशली किड्स के लिए है। बहुत ज़्यादा किड्स नहीं, जो खेल सकते हैं उन किड्स के लिए। 5, 10 साल, 8 साल वाले से लेकर के 8, 10 साल के बच्चे खेल सकते हैं और बाखूबी खेल सकते हैं और उनको खेलना ही चाहिए। मैं रीजन बता देता हूँ। एक चीज 5 से 7 सालों का जो वक्त रहा है और इस वक्त में ना लोग जब बहुत ज्यादा एडिक्टिव हो चुके हैं फोन को लेकर के। हमारे टाइम पे फोन मतलब किड्स जब मैं 5, 10 साल का था तो फोन हमारे घर पे होता नहीं था। बट आज के टाइम पे ना सबके पास, अगर वो 3 साल का भी बच्चा है ना तो उसके लिए भी एक एंड्रॉयड फोन स्पेशली होता है, कोई भी स्मार्टफोन होता है। तो एक्चुअली क्या है ना, बच्चे एडिक्टिव होते जा रहे हैं, रील्स स्क्रॉल पे स्क्रॉल किए जा रहे हैं या फिर वो एक फन पार्ट देखने के ना आदि हो चुके हैं या कुछ भी स्पेशली गेम खेलने के। एंड दे डोंट प्ले द फिजिकल गेम, राइट। जैसे हम लोग जाकर के बचपन में खेला करते थे, ग्राउंड में जाकर के गेम खेला करते थे, वैसे बच्चे खेलते ही नहीं है। तो एक्चुअली ये ना बहुत सीरियस और बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है जहाँ पे आपको पता नहीं है इन बातों का कि एज ए गार्जियन आप अपने बच्चों का ना फिजिकल और मेंटल बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। फिजिकल और मेंटल बैलेंस इन सेंस कि देखो, अगर बच्चे खेलेंगे नहीं ना, सिर्फ पढ़ाई करना मोबाइल में देख करके और पढ़ाई करना, ये पढ़ाई करना जरूरी है, बहुत जरूरी है, बट ये उतना ही जरूरी है जितना खेलना जरूरी है। ठीक है ना, खेलना भी उतना ही जरूरी है जितना कि पढ़ाई करना जरूरी है। तो उस चीजों में देखा गया है कि अब के दौर पे तो वो नहीं जाते, बट एक्चुअली आप अब होता ये भी समस्या है कि सारे अगर नहीं निकल रहे तो आप किन्हीं के साथ क्रिकेट या फुटबॉल नहीं खेल सकते हो, या उनके अलावा आप छोटे बच्चे तो उनके अलावा 2 चीज़ें हैं जो लाइक फुटबॉल, क्रिकेट और 1-2 गेम्स हैं जो खेल सकते हैं। बट अगर बच्चे अकेले हैं तो वो कैसे खेलेंगे। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए एक भयंकर प्रोडक्ट और बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट मैं लेकर के आया हूँ जिसका नाम है फ्लाइनोवा प्रो। आप देख सकते हो इसमें, इसके अंदर जो बॉल होने वाली है ना वो बहुत बाकमाल बॉल होने वाली है, क्योंकि ये सिर्फ बॉल ऐसे नहीं है जो आप खेलोगे, इसके साथ ये एक्चुअली इसके अंदर लाइट्स भी है। बच्चों को लाइट्स और बॉल, वाओ, दोनों 2-in-1 कॉम्बो मिल जाता। तो चलिए सबसे पहले मैं इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करता हूँ। इसकी अनबॉक्सिंग शुरू करने के बाद मैं आपको इसके खेल करके दिखाऊंगा। फिलहाल तो मैं स्टूडियो में शूट कर रहा हूँ तो मैं उतना नहीं खेल सकता, बट मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि मैं खेल करके दिखाऊं। ये आप देख सकते हो दुनिया की सबसे छोटी रिमोट अभी तक की, इससे ज़्यादा छोटी रिमोट आपने कहीं भी नहीं देखा होगा। और दूसरी बात ये कि मैं इसकी अनबॉक्सिंग सबसे पहले करता हूं। अनबॉक्सिंग करने के ये है वो बॉल, आप देख सकते हो। ये इसके अंदर एक फ़ैन लगी हुई है, एक मोटर लगी हुई है, आप देख सकते हो ये घूम भी रही है ना। तो आप ऐसे फेंकोगे ऐसे, तो ये सिर्फ ऐसे ही खेलने वाली नहीं है कि आप जा कर के बैट बॉल से खेलो। ना ना ना, बिल्कुल भी ये गलती ना करें। तो करना क्या आपने, सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो एक USB पोर्ट है और दूसरे एंड पे एक पावर बटन है। तो सबसे पहले मैं पावर बटन को ऑन कर लेता हूँ और ऑन करने के बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि खेलो या ना खेलो, हवा तो बहुत अच्छी आ रही है इसकी। देखो आप, एक्चुअली इसमें ना बहुत सारे मल्टीपल कलर्स आते हैं। तो अगर मैं मल्टीपल कलर्स की बात करूँ तो हमारे पास एक और सामने पे पड़ा हुआ है टेबल पे, तो वो मैं दूसरा कलर मैं उठा लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि और फिर दोनों आप देख सकते हो इसमें लाइट जल रही है फिलहाल और इसमें लाइट नहीं जल रही है। एक्चुअली इसकी बैटरी डाउन है तो इसको मैं फिलहाल रख दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये चार्ज करने में करीबन 10 मिनट लग जाएंगे, तब तक क्यों ही वेट करना। तो मैं इसको रख करके फिर दूसरा बॉल मैंने उठा रखे और ये एक्चुअली यार सारे कलर्स बना बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत कलर्स है। तो मैं आपको देखा 2 तरीके, इसको ना मैं ऑन करने के 2 तरीके। पहला जो तरीका वो आपको यहाँ से ऑन कर लेना है, ये पावर बटन, जो पावर बटन पे प्रेस करके ऑन कर लेना। उसके बाद आपका रिमोट वाला ऑन ऑफ काम करेगा। आप देखो ऑन हो गया, ऑफ हो गया। तो अब मैं ना इसको फिर से फेंकने जा रहा हूँ। हमारे टाइम पे ऐसे खिलौने नहीं होते थे, हमारे टाइम पे ना मोस्टली वो वाले होते थे रिमोट कार, या तो छोटा या तो बड़ा या तो थोड़ा सा उससे बड़ा। मोस्टली जो वेरिएंट हमें जो ये वाली साइज़ या ये वाली साइज़ मिलती थी रिमोट कार की ना। चलिए मैं ऑन करता हूँ और बिना, बूम। फेंको फेंको। फ्लाइनोवा प्रो इसका नाम है। ये फ्लाइंग बॉल ना आप करो, आप ऑन करके इसको, आपने रफ्तार तो देख ही चुके हैं, आप देख चुके हो कि कितना रफ्तार है। तो आप दो बच्चे, तीन बच्चे, इकलौता बच्चा खेलेगा ना 2-3 घंटे पे, 1 घंटे में इतना अच्छा से थक करके आ करके शाम में सो जाएगा खाना पीना खा करके कि क्या है? मैं एक्चुअली यार मज़ा आ रहा है, लेकिन लिटरली मैं फिर से ऑन करने जा रहा हूँ इसको फेंकियो फेंकियो। और उसके अलावा हम लोगों ने जो न्यू स्कीम चला रखा है, अगर आपने रील्स नहीं देखा तो मेक श्योर कि आप रील्स देखो पहले, और वहाँ से कुछ कन्फ्यूज़न आपके माइंड में आ रहा तो फिर आप माउंट एम्पोरियम से कांटेक्ट करो ताकि सारी डिटेल्स और सारी क्लैरिटी आपको मिल जाए, ठीक है ना। और एड्स चलाओ, ऑर्डर्स लाओ, ड्रॉप शिपिंग पाओ, पैसे कमाओ और जिंदगी हसीन बनाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।